नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स ज्ञान में। और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। आज हम देखने वाले हैं संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन व दायित्वों का पुनः निर्धारण। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ संपत्तियों में मूल्य के अंदर कमी या वृद्धि हो जाती है, जिस कारण उस लाभ हानि में किसी नए साझेदार का हिस्सा नहीं होता, और उसके लिए हम पुनः मूल्यांकन अकाउंट बनाते हैं और ये एक अवास्तविक खाता होता है। तो ये एक थोड़ी बहुत समरी हो गई, जो अगर कभी आता है आपके एग्जाम में तो आप लिख सकते हो। हाँ, अब हम समझने के लिए देखते हैं क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और एक साल बाद, 1 ईयर के बाद, जब आप नया पार्टनर को लेके आ रहे हो, 1 लाख से इसकी वैल्यू बढ़कर के 1.5 लाख हो जाती है। तो अब ये जो 50,000 इंक्रीज हुआ है, क्या इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा है? नया पार्टनर, अब देखो क्या होता है, नया पार्टनर, अब उसका तो कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन बुक्स में कितना आ रहा है, पुस्तकों में, यानी कि जब आप अकाउंट देखते हैं तो वहाँ पर तो 1 लाख शो कर रहा है, यानी, लेकिन अगर आज हम इसे बेचेंगे तो उसका कितना मिलेगा, 1.5 लाख। और वो कितने में से लेकर के जाएगा, इस 1.5 लाख में से लेकर जाएगा नया पार्टनर। अगर आज हम इस फर्म को सेल करते हैं तो नया पार्टनर 1.5 लाख में से अपना हिस्सा लेकर के जाएगा, जबकि उसका हिस्सा तो 1 लाख में से ही बनना चाहिए ना, क्योंकि वो 1 लाख के अंदर ही दे रहा है अपना हिस्सा। तो इसीलिए इस वैल्यूएशन में जो इंक्रीज हुआ है, ये जो मूल्य में वृद्धि है 50,000 की, वो क्या करता है, 50,000 की वृद्धि को पहले ही दे देता है कि इस 50,000 की वृद्धि में मेरा हिस्सा कितना है, 1/5, तो ये मेरी तरफ से 10,000 रुपये आप पहले ले लो, क्योंकि बाद में क्या होगा, मुझे 1.5 लाख से मिलेगा, ठीक है, बाद में तो मुझे 1.5 लाख से मिल जाएगा ना, तो अभी आप मेरे से 10,000 ले लो, और बाद में क्योंकि मुझे 30,000 मिल जाएंगे, जबकि मुझे मिलने कितने चाहिए थे, 20,000, ठीक है, क्योंकि मैं तो 1 लाख में ही ले रहा हूँ ना अपना हिस्सा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, कई बार इसके विपरीत हो जाता है, वही 1 लाख से 50,000 हो जाती है, तो सेम उसी तरीके से उस लॉस में नया पार्टनर थोड़ी लेगा। तो अब यहाँ पे हम रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए, जनरल एंट्रीज आपके अनुसार, और जनरल एंट्री से ही ये रिवेल्यूशन अकाउंट बनता है। अगर मान लीजिए एसेट में इंक्रीज हुआ, आप क्या करोगे, इंक्रीज में एसेट हुआ, रूल के हिसाब से एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट को डेबिट किया, अब किसकी वजह से हुआ, रिवेल्यूशन की वजह से, तो रिवेल्यूशन को 2 कर दिया। तो अब अकाउंट में क्या होगा, रिवेल्यूशन के अंदर इंक्रीज इन एसेट्स क्या 2 में आ गया, सेम उसी तरीके से डिक्रीज में किधर चला गया, 2 की तरफ, और उसी तरीके से लाइबिलिटी में इंक्रीज कहाँ चला गया, इधर 2 की तरफ, ठीक है, यानी क्रेडिट साइड, और इधर, मतलब देखो रिवेल्यूशन का तो डेबिट साइड है, लेकिन वैसे क्रेडिट साइड है ना, और रिवेल्यूशन के क्रेडिट साइड में आ गया इन डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी में डिक्रीज का क्या होगा, रिवेल्यूशन 2 लाइबिलिटी, यह होगा क्या, नहीं, क्या होगा, लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगी, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में, 2 रिवेल्यूएशन, ठीक है, ये एंट्री हुई और यहाँ पे आ गया। अब अगर मान लीजिए कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जो आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की थी बुक्स के अंदर, लेकिन आपने देखा कि यार हाँ ये लाइबिलिटी भी आपको बाद में पे करनी पड़ सकती है, या कोई एसेट जो आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी एसेट है और आपने वो रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो वो ओली एसेट, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर अपने हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, बस इतना सा ही है अपना रिवेल्यूशन अकाउंट। आगे हम इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं। अगर आपको कभी भी प्रतिशत से कम मूल्यांकित है, यानी ये बोला है कि मान लीजिए ये जो एसेट है वो 10% से कम मूल्यांकित है, कम मूल्यांकित है, यानी कि क्या है, एसेट को होना चाहिए था 1 लाख का, ठीक है, लेकिन वो कितने से मूल्यांकित है, सॉरी इस तरीके से नहीं लेते हैं, आपको समझ में आ जाए, हाँ एसेट को होना चाहिए था 1,10,000 का, लेकिन वो अभी कितना, बुक्स में कितनी है, 10,000 ही है, तो वो 10% किसका, इसका, कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट 1 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट 10 डिवाइड बाई 100 माइनस रेट जो है 10, सॉरी मान लीजिए वैल्यू है 1 लाख और ये है 90,000, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको फिगर सही आ जाएगी, ठीक है, तो ये जो 10% है ना, ये इस 1 लाख का है, जो इसकी वैल्यूएशन है ना, उसका जो
राइट वैल्यू है ना उसका 10% है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगी इधर, मिनट यार, माइनस ना, तो डिवाइड बाई अगर हम करेंगे, इसे कम मूल्यांकित है तो डिवाइड बाई 90 आएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट, रेट आ गया इधर डिवाइड बाई 90, तो 1 लाख शेयर या कट जाएगा, ये तो ये आपका जो आएगा अमाउंट निकल के आपको देखना पड़ेगा, कुछ पॉइंटों में आएगा, तो उस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से प्रतिशत से अधिक मूल्यांकित है, यानी कि आप क्या होना चाहिए था, कम मूल्यांकित होना चाहिए था, तो अगर आप हायर नंबर से डिवाइड करोगे तो लोअर नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऐड कर दिया ना डेट को, तो ये हायर नंबर हो जाएगा, और इसीलिए आपको यहाँ पे लोअर नंबर आएगा, जो आंसर आएगा वो लोअर नंबर। वहीं इसी तरीके से जब आप लोअर नंबर से डिवाइड करोगे तो हायर नंबर आ जाएगा आंसर, यानी कि वो अधिक हो जाएगी, ठीक है। से बढ़ाइए यानी कि उतनी राशि से आपको बढ़ाना है, और अगर तक बढ़ाइए तो उतनी राशि तक बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग को 10,000 से बढ़ाइए, से बढ़ाइए, तो अब आपको क्या करना है, 1 लाख मान लीजिए पहले है तो प्लस 10,000 करना है, और अगर आपको तक बढ़ाइए तो वो लिखेगा 1,10,000 तक बढ़ाइए, ठीक है, तो वो आप 1,10,000 तक बढ़ा देना, ठीक है। सिंपल सिंपल नोट्स है। अब आता है अपना जो अगला एडजस्टमेंट जो आता है, अगला समायोजन जो आता है, वो है अवितरित लाभों व संचयों तथा हानियों तथा कृत्रिम संपत्तियों का लेखा। कृत्रिम संपत्ति अगर आप जानते हो क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि ये एसेट नहीं होती लेकिन ये क्या होता है, उस कोई खर्चे होते हैं जिसको आपने P&L में अभी तक लेके नहीं गया, और वो आपको बाद में लेके जाने हैं, ठीक है, बाद में, यानी कि धीरे धीरे आपको लेके, जैसे डिस्काउंट अगर हो गया, कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट आपने दिया था, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में, तो ये जैसे अब ये फिक्टिशियस एसेट होती है। जैसे मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया, अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, उस एडवर्टाइज का बेनिफिट आपको क्या आज ही मिलने वाला है, नहीं, उसका आपको 2 या 3 सालों में मिलने वाला है, तो जब उसका बेनिफिट 2 या 3 सालों में मिलने वाला है तो वो आज का खर्चा नहीं है, और अगर वो आज का खर्चा नहीं है तो आप उसको क्या करते हो, एसेट साइड में दिखाते हो, और धीरे धीरे, क्योंकि एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, आपने देखा था ना एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो आप उसको एसेट साइड में दिखाते हो, और धीरे धीरे 2 साल या 3 साल जितना भी उस एडवर्टाइजमेंट का प्रॉफिट है आप उसको P&L में राइट ऑफ करते हो। तो इसीलिए ये जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड में आ गया, और जो एसेट साइड में आ गया, लेकिन क्या ये एसेट है, नहीं, तो ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट, कृत्रिम एसेट। तो अब क्या करते हैं, इसका सिंपल है कि जो अवितरित लाभों है या संचय है या इनका विभाजन हो जाएगा, तो प्रॉफिट, तो ये क्या, जितने भी आपके संचय हैं, जितने भी रिजर्व्स है, वो सब ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर दो ताकि सारे के सारे, और इनको डेबिट कर दो और सारे के सारे उनको ले जाएंगे। वहीं हानि कृत्रिम संपत्तियों को अपलिखित कर दो और वो सारे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है, जैसे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, ये फर्म की लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, इसका विभाजन नहीं करना है। अवितरित लाभ व संचय का बंटवारा साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में तथा हानियों व कृत्रिम संपत्तियों का पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में होगा। पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में होगा, लेकिन क्या होता है, ये तो डेबिट में चली गई ना, देखा प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब आपको इसे ख़त्म करना है, तो आप क्या करोगे, इसे डेबिट, अब आपने आपको इसे क्या करना है, डेबिट, तो प्रॉफिट हो गया डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, टू में क्या लेना है, किसको बांट रहे हो, पार्टनर कैपिटल पे, बस किसको बांटोगे, ओल्ड को, तो यही हमने जनरल एंट्री की। सेम ऐसे लॉस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट टू लॉसेज या कुछ टू फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट, ऊपर क्या लिख देंगे, ओल्ड पार्टनर, खत्म। ये है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री आपको याद नहीं करनी है, आपको बस ये लॉजिक याद रखना है, जनरल एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आज हम और देख लेते हैं, नीचे कुछ है नहीं, तो आज मैं बता देता हूँ, आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आए हैं, इसको आगे से आगे और फैलाइए, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो जो भी कमी है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं ताकि उसको और एफर्ट डाल के उसको और अच्छे से करूँ।
इस वीडियो को बनाने में मेरे काफ़ी मेहनत लगती है। ये ऐसे नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया और वो सक्सेस हो गया, नहीं, कई बार गलतियाँ हो जाती है और इसीलिए मुझे पूरे एक दिन लगता है एक 10 मिनट का वीडियो बनाने में। प्लीज़ इसको मेहनत को बर्बाद मत करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर सब्सक्राइब करिए और कोई भी अगर आपको कमी लगती है कमेंट करिए, ठीक है, कि सर हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, आप उस मैं उसमें सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।